नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट आईपीएल पर। मैं हूं शिव पाठक। आईपीएल के मौजूदा सीजन के रोमांच अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। लगातार दूसरे दिन दर्शकों को आखिरी गेंद तक चलने वाले रोमांचक मुकाबले देखने मिले, जहां एक दिन पहले रिंकू सिंह ने आखिरी 5 गेंदों में 5 छक्के लगाकर गुजरात की पंजू से जीत छीन ली थी। वहीं चिन्ना स्वामी के मैदान पर हुए रोमांचक मुकाबले में निकलस पुरन की तूफानी पारी के दम पर लखनऊ की टीम ने बेंगलुरु को 1 विकेट से करारी शिकस्त थमाई। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलोर की टीम को विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसी की ओपनिंग जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने लखनऊ के गेंदबाजों पर धावा बोलते हुए मैच 69 गेंदों में 96 रनों की साझेदारी निभाई। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली 44 गेंदों में 4 छक्कों की मदद से 61 रन बनाकर अनुभवी स्पिनर अमित मिश्रा की फिरकी का शिकार बने। विराट के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे मैक्सवेल ने सेट हो चुके कप्तान फाफ के साथ मिलकर लखनऊ के गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए मैच 48 गेंदों में 115 रनों की साझेदारी कर डाली। पारी के आखिरी ओवर में ग्लेन मैक्सवेल 29 गेंदों में 6 छक्कों की मदद से 59 रन बनाकर मार्कवुड की रफ्तार का शिकार हुए, लेकिन कप्तान फाफ 46 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 79 रन बनाकर नवाद लौटे। तीनों बल्लेबाजों की धमाकेदार पारियों के दम पर आरसीबी की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 2 विकेट गंवाकर 212 रनों का विशाल टोटल हासिल किया। विशाल का लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब रही। पावर प्ले के 4 ओवरों में ही टीम ने मैच 23 रनों पर अपने 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया। इसके बाद हल्क के नाम से मशहूर मार्कस टोनिस ने मैच 30 गेंदों में 65 रनों की पारी खेलकर लखनऊ के मुकाबले में वापसी कराई। तूफानी साझेदारी कर एक के बाद एक मार्कस टोनिस और कप्तान राहुल पवेलियन लौट गए और मुकाबला एक बार फिर से आरसीबी की ओर झुक गया। लेकिन छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे निकलस पुरन ने मैच 19 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से 62 रनों की पारी खेलकर मुकाबले को आरसीबी के मुंह से खींच लाए। लेकिन पुरन के आउट होते ही मुकाबला एक बार फिर से पलट गया, जिसके बाद युवा बल्लेबाज बडोनी ने 30 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। लेकिन बडोनी के हिट विकेट होने के बाद मुकाबले ने एक बार फिर से करवट बदल ली। आखिरी ओवर में लखनऊ को जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी, लेकिन हर्षल पटेल 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर मुकाबले को आखिरी गेंद तक ले गए, जहां आखिरी गेंद पर लखनऊ की टीम ने 1 रन बनाकर मुकाबले को 1 विकेट से अपने नाम किया।